नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार दीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है, अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को
चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। इसके पहले जो सेशन हुआ था, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लोग जरूर सुनिए, सभी को काम आने वाला है। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है और बहुत डीप में डिस्कशन हुआ है। उसको सुनने के बाद आप लोग को लगेगा कि हाँ, हमें इस दिशा में और पढ़ाई करने की जरूरत है और पेशेंट देखने की जरूरत है। बहुत अच्छा हुआ सेशन। आप लोग इसके पहले वाला 7 बजे वाला सेशन जरूर देखिए। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया बोलिए अनम्यूट करके। श्रीनिवास सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है सभी लोगों को। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। कैसे पेशेंट बताइए अनुभव। आज एक लीवर सिरोसिस के पेशेंट के बारे में आज मेरा फोन आया था। एक्चुअली क्या था कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वेदांता से दिल्ली में। उनको 50% लीवर डैमेज हो चुका था और मेन कंप्लेन जो था कि उनका जो HV था 5 से 7 के बीच में था, वो बढ़ नहीं रहा था। तो पेशेंट भी थोड़ा जिद्दी टाइप के थे, पॉलिटिकल ग्राउंड से थे, तो वो डॉक्टर्स का बात नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि हम जो बोलते हैं वही डॉक्टर करे। तो ये भी एक समस्या था पेशेंट के साथ। तो उनका जो लड़का है वो मुझे बता दिए थे कि ऐसा ऐसा उनका है। उनकी ठीक है उनको लाइए। तो लाए थे, बहुत अच्छा। पहले तो जो भी वो बोलते थे हम वही हमें हम मिलाते गए, उनका बात माने, फिर बाद में हम अपना शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा काउंसलिंग करना टफ होता है, लेकिन उनका दिनचर्या पूरा खराब था, उसकी कंडीशन खराब थी, फिर भी वो अपने मन से खाना उना खाते थे, अध्यासन भी था, बार बार खाना खाना, भूख नहीं लगती थी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब जो
लक्षण है वो था, सबसे पहले तो उनका डाइट को मैंने करेक्ट किया। सुबह में बिना भूख के जो ब्रेकफास्ट करते थे, वो ब्रेकफास्ट को हमने बंद करवा करके जूस पे शिफ्ट किया था कि सिट्रस फ्रूट का जूस लेना है कोई भी। फिर खाने में रात का खाना भी उनका हम स्किप कराए, उसके जगह पर जौ का दलिया बोले थे कि जौ का दलिया ही लेना है मूंग के दाल के साथ। और दवा बहुत सिंपल चलाए थे सर, आरोग्य वर्धनी बटी का डोज को थोड़ा सा हम अलग कंसीडर किए थे, 4 और 5 टेबलेट चला रहे थे, सुबह में 4 और रात को 5 बीडी डोज में बिफोर फूड मील के साथ। पुनर्नवा मंडूर चलाए थे, ये टीडीएस डोज में चलाए थे, 2-2 टेबलेट। और तप्यादि लौ चलाए, और 2 पुनर्नवा अर्क और मकोई अर्क, ये दवा को भी दे रहे थे टीडीएस डोज में, दो दो दोनों में से 10-10 ml मिला करके। रस पाचक और रक्त पाचक को पाउडर बना करके और आरोग्य वर्धिनी वटी के साथ ही दे रहे थे, ये डोज था। अभी गए थे ऑपरेशन के लिए, उनका अपॉइंटमेंट लिया हुआ था डॉक्टर से, उनके जो लीवर है वहाँ पे कुछ सिस्ट वगैरह बन रहा था, तो वो बोल रहा था कि इसके कारण ही ब्लड बन नहीं रहा है, और साथ में एस्प्लिनो मगेली भी हो गया था, एस्प्लिन का भी साइज बढ़ा हुआ था जब हमारे पास आए थे। लगाए तो तो सही वहाँ वहाँ पे जब उनका है। रिपोर्ट वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है और उनका एचवी 10 पॉइंट कुछ हो गया है। एस्प्लिनो मगेली जो पहले था वो भी नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है। लीवर में जो सिस्ट वगैरह टाइप का जो बना हुआ था वो भी बहुत कम दिखा, मतलब पहले से बहुत कम दिख रहा था। और मेन तो एचबी का था कि एचबी बढ़ नहीं रहा था। अब उनका रोज मतलब जो विरेचन है, विरेचन क्या मतलब, पेट साफ हो रहा है, नॉर्मल पेट साफ हो रहा है, भूख भी अच्छी लग रही है, और ये जो हमारा पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा सुधरा है। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मतलब केस था। और साथ में सर दूसरा जो उस दिन पेशेंट के बारे में चर्चा किए थे ओरल कैंसर का, उसका तो डिटोरेट हो रहा है, उसको तो रिकवरी नहीं हो पा रहा है। अभी फिर दूसरा बार आया तो वो जो उस दिन फोटो था अभी उसमें अल्सर डेवलप हो गया है, और फिर बाद में वो गांठ जैसा कन्वर्ट हो गया सर उसमें। बाद में एक बार अच्छा आया था तो उसको हम तो ये जत्यादि घृत में कुछ दवाई सब मिलाए थे, वैक्रांत भस्म अकिकृष्टि ये सब चीज मिला करके वहां पे अप्लीकेशन करने के लिए दिए थे, मोतीपिष्टी ये सब चीज सब डाल के इनटेक करने के लिए भी मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा ही डिटोरेशन की ओर जा रहा है पेशेंट। कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं करते रहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। बीच में आपने जो जी पहला केस बताया वो बहुत ही अच्छा केस है सर, सक्सेस स्टोरी है। सर, ये जो क्रॉनिक कंडीशन का तीसरा था जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ट्रांसप्लांट कराना होगा सर्जरी, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो डॉक्टर मतलब बोल दिया था आगरा के डॉक्टर जयपुर को किया, वहां पे बोला था कि 16 से 18 लाख के बीच में लगेगा, ट्रांसप्लांट करना है। आज भी वो पेशेंट 3 साल से ऊपर हो गया, स्कूटी चलाता है, सब जगह घूम रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ऐसा है जो उसका तो बहुत ज्यादा डिटोरेशन था, हगीज लगा हुआ रहता था, बेड रिडर हो चुका था, लेकिन आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। बहुत बढ़िया, आपका और कितना मतलब टोटल कभी 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 बहुत गर्व होता है कि आयुर्वेद की जो है इतना बढ़िया, ऐसे ऐसे जहाँ पे कोई विकल्प नहीं दिखता है वहां पर आयुर्वेद मतलब चमत्कार भी कर देता है, और एकदम हर्बल मेडिसिन पे, उनका तो एकदम कंप्लीट हर्ब्स पे ही था, कोई मिनरल्स भी एड ऑन नहीं था, इनका तो यहाँ पे उतना व्यवस्था करना मुश्किल था, तो जो भी था मतलब मार्केट का प्रोडक्ट ही यूज करना पड़ा। तो कितना टाइम लगा सर करने में पूरा टोटल? अभी अभी इनका तो सर रिपोर्ट जो चेंज हुआ है, विद इन 1 मंथ का रिपोर्ट चेंज हुआ है, 1 मंथ पहले वो ट्रीटमेंट कितना वेदांत चल रहा है? ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कितना है आपका? अभी तो 1 महीना पहले हमने ये सब शुरू किया है, वहां से ये ट्रीटमेंट लंबे टाइम से ले रहे थे, 1 महीना पहले मतलब जब वो बुलाए हुए थे डॉक्टर वेदांता के, तो वहां पे गए तो वो देख करके पोजीशन बोले थे कि आपको
ऑपरेशन हम करेंगे, वो जो सिस्ट है वो बढ़ रहा है, संख्या बढ़ गया है आपका, इसीलिए हीमोग्लोबिन आपका HB इतना कम हो रहा है। तो आप एक लेकिन बार दवाइयों का नाम बताइए, आपने 1 महीना में इतना चल जुड़ दिया, क्या क्या दिया? मकोई दिया, आरोग्यवर्धनी, और क्या क्या दिए? सर, मकोई अर्क था और पुनर्नवा का अर्क था, ये दोनों हम 10-10 ml में TDS डोज में दे रहे थे। और आरोग्य वर्धिनी बटी 4 और 5 के, सुबह में 4 देते थे और 5 रात को देते थे मिल्क के अनुपान के साथ, और उसी में पाउडर करके रस और रक्त पाचक भी डालते थे। और एक और था सर, पुनर्नवा घन बटी भी चला रहे थे, पुनर्नवा घन बटी 2-2 tablet BD डोज में, तप्यादि लौ था और पुनर्नवा मंडू, ये इतना ही सिंपल मेडिसिन। एक चीज बस पूछना है, उसमें मेरा वाला रस पाचक, रक्त पाचक था क्या? जी, सर आप ही हाँ, वाला है इसीलिए रस पाचक। मैं सोच रहा था, उसमें भावना दिया हुआ, जो मैं आपको भेजा था ना, 51 जी, भावना दिया हुआ है, पटोल, इंद्र कुट की और वो सब, उसके काढ़ा का, इसलिए वो और अच्छा फायदा काम तो बहुत हुआ। करता है सर, बहुत ऐसे डिजीज में ये रक्त पाचक वगैरह जब एड ऑन करते हैं ना, तो इसका एक हाँ, चमत्कारी मतलब है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका सर। जितना भावना दिया जाता है ना उसमें, उसी के काढ़ा की, वो उतना पावरफुल हो जाता है सर। गाइनो में भी हम इसका अच्छा प्रयोग करते हैं सर, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो सर, पहले आप जब बिहार में प्रैक्टिस करते थे, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता था, रस पाचक, बिल्कुल रक्त नहीं पाचक? सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो रस पाचक और रक्त पाचक हम लोग मतलब पढ़े थे ये चिकित्सा में, फीवर के चिकित्सा में, ज्वर के चिकित्सा में, लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि इस तरह से हमको देना है रस पाचक रक्त पाचक, ये नहीं। ये तो सर सिर्फ और सिर्फ आप ही से सुने और आप ही से का मतलब है ये देन की आज सर, इतना आप, सक्सेसफुल। आपका आपको वो जो पॉलिटिशियन है वो आपको कितना मानते होंगे? भगवान मानते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपने सर, मन बहुत से, दिल से उनको डायग्नोज करके अच्छा इलाज किया। जी सर, जी सर जी। और एक तो होता है सर, चैलेंज होता है ऐसे पॉलिटिशियन ग्राउंड के लोग जो आते हैं ना, पॉलिटिकल ग्राउंड के, उनको थोड़ा सा ट्रीट करना, वो क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो कहें वही डॉक्टर करे, हाँ, ये लेकिन वो सर, आपके बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं बहुत सर। अपने पास भी थोड़ा पेशेंस रखना होता है पेशेंट को, मतलब डॉक्टर लेकिन के सामने। उनको फिर से ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए, रिवर्स, इसलिए उनको बोले हेतु सेवन करना बहुत जरूरी है, 2-3 साल, हाँ नहीं तो जी जाएंगे सर, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, तो फिर से हो जाएगा सर। नहीं, वो तो अब तो बहुत मतलब पॉजिटिव हो गया है। सही बताया आपने सर, प्राउड ऑफ यू। अखिलेश तिवारी जी का आप लोग कभी भी चिकित्सा सुनिए, एकदम बेसिक, क्लियर क्लियर रहता है, जो भी बताते हैं वो सच बताते हैं। कैंसर के पेशेंट को नहीं फायदा हुआ, बता देंगे नहीं फायदा हुआ, है ना? जो भी चीजें सच बताना चाहिए, और अपना तारीफ नहीं करते कि मैंने ये किया वो किया, किया तो किया, जो आया रिजल्ट सच बता दिए। मुझे अखिलेश तिवारी जी पर्सनली आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कभी थैंक यू मिला सर, तो नहीं हूँ आपसे, लेकिन मुझे आपका नेचर, आपका बोलने का तरीका, आपका डायग्नोसिस, आपका ट्रीटमेंट सबसे अच्छा लगता है मुझे। जी सर, और कुछ बताना चाहते हैं अखिलेश तिवारी जी? जी अभी तो फिर सर कुछ फिलहाल नहीं है कुछ। हाँ, इससे पहले वाला लेक्चर सुनिएगा, उससे आपको और कुछ सीखने को मिलेगा, जो जी 7 बजे सर, हुआ। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक हाँ, यू। और हाँ, डॉक्टर मनीषा मैम से हम पूछेंगे। मनीषा मैम, आप कोई केस बताना चाहेंगी हमारे साथ, शेयर करना चाहती हैं, या फिर तनिका मैम कुछ केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं? डॉक्टर श्रीनिवास सर, डॉक्टर गंगवार सर, प्रशांत भट्ट जी, कोई केस बताइए प्लीज। परवीन कश्यप जी, वैद्य वर्षा जी, कुछ बताइए, बोलिए, कुछ बोलिए, आप लोग के पास कैसे पेशेंट आए? केशव जी, कुछ बोलिए आप। प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए बताइए सर। सर आपका केस कैसा चल रहा है, वो वाला आपने जो डाला था ना, जिसकी नस ली थी आपने, वो हेड इंजरी वाला? हेड इंजरी वाला सर, ऐसा केस था, मैंने एक बार ये भी बताया था मेरे लेक्चर्स में, कि मेरा एक क्लासमेट था जो अभी ब्रिगेडियर है चाइना आसाम बॉर्डर पे, तो उसका भी हेड इंजरी हुआ था, जो उसने आर्मी ज्वाइन किया था जी IMS से पास होके, तो इसलिए मेरा अनुभव है। ये हेलो ठीक है सर, पेशेंट का बहुत क्या है, अच्छा। ये केस थोड़ा मैं बताता हूँ कैसे।
मेरे को डर लगता है पेशेंट बिल्कुल। कहीं तो जा रहा था हाईवे से, तो तो जाते क्या जाते करना एक्सीडेंट हो गया और उसको हेड इंजरी हो चाहिए? गया। हेड इंजरी हो गया ना, तो बेटे जैसे आपके पेशेंट को स्टेंट बिठाया ने था सीएसएफ को निकलने के लिए, डाल वैसे सीएस स्टेंट बिठाया हुआ है, लेकिन ये अपना कॉन्शियसनेस भूल चुका है, इसको कुछ पता नहीं था कि कौन है, क्या है, किस दुनिया में है, तो इनकी वाइफ बेचारे। छोड़ के भाग गई, बच्चों को लेके चली गई, अकाउंट वगैरह सब अपने नाम पे करवा दिया, साइन इन ले लिया, कैसे तो भी कर दिया वकील के थ्रू, और सारा पैसा वैसा लेके चली गई। लेकिन बहन ने तो सोचा कि मेरा भाई है, मैं कैसे भी करूंगी। आपके केस में भी आपकी उनकी बहन ही कर रही थी, कुलदीप जी 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 की जी जी कोई थी। हाँ, तो ये भी बहन ऐसे पैसे वाली है, इनको किसने मेरे बारे में बताया? तो मैंने इनको कहा कि देखिए मैं ना ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको आयुर्वेद पे विश्वास होना चाहिए। तो मैंने इनको यही सब दवाई दिया जो आपने दिया था, जैसे कि दीपन पाचन वाला दिया, आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, लशीनादि वटी, और फिर मैंने पंचामृत लोकोकुल, स्मृति सागर रस, और मैंने सोचा कि शुक्र धातु बढ़ाना है क्योंकि हमें मस्तिष्क पे काम करना है, तो शुक्र से काम करते हैं, तो मैंने पुष्प धन्वा रस दिया और यही सब दवाई दिया। और मैंने कहा कि ये 101 बचा तेल डालना है, 2 बटल सुबह 2 बटल शाम को, मतलब पर डे 60 ml, और बस्ती देना है, बचा तेल का ही बस्ती देना है। सर आपकी आवाज चली गई है सर। हेलो, कल कल आवाज नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज चलेगी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मुझे कॉल आ गया था। हाँ मनीषा अभी मैम, सर, आप सर अभी आ रही है, अभी आ मनीषा रही बारी है। हाँ, तो एक आ रही हफ्ता में ये रिजल्ट आया है कि वो जो पेशेंट है उसको सेंस आ गया है, वो कौन है, कहाँ है, किस जगह है। उसको बोलते हैं आवाज निकालो तो आवाज निकालता है, उसको बोलते हैं देखो तो देखता है, उसको बोलते हैं हाथ उठाओ तो उठाता है, मतलब उसको एक हफ्ते में बचा तेल का बस्ती और बच्चा तेल का ही नस्य, उससे इतना फायदा हुआ है। लेक्चर चल सर। उदय बचा तेल का मात्रा वस्ती डेली दिया सर। 100 ml अतल लेक्चर चल। सर हाँ, मात्रा बस्ती 100 ml का पर 100 ml पर डे। डे, खाना खाने के बाद देते हैं। लेक्चर 9:30 कितना होल्ड हो पर्यंत जाता है? वो पूरा रात भर रहता है सर, और डायपर पहना देते हैं। लेक्चर चले बस है ना। 1 मिनट रुकिए, एक पेशेंट है, आप बैठिए, 9:30 तक मेरा लेक्चर है, बाद में अभी बैठूंगा। कितना बज रहा है? मैं अभी 8:35। क्या साथ में बोल हाँ रही आइए। हाँ तो ना वो रात भर रह जाते हैं सर, डायपर पहनाते हैं, तो वो पेशेंट का असली में कहीं पर भी अभिघात होता है ना, तो वायु का प्रकोप होता है, तो उसको 100 ml एब्जॉर्ब हो रहे हैं सर, ऐसा हो रहा है। जी सर। अच्छा मेडिसिन में मतलब बड़ी मतलब सिंपल सिंपल मेडिसिन मतलब चल रही है, जैसे आपने बोला ना स्मृति सागर रस, पंचामृत लोकोकुल, ये पुष्प धन्वा सिंपल नहीं है रस। सर, ये बहुत भारी भारी है दवाइयां, मतलब जी पंचामृत आप की सिंपल नहीं, मतलब स्वर्णयुक्त है, कोई दवाई नहीं ना इसमें? स्वर्ण युक्त दिया ना, पंचामृत लोकोकुल है, सिद्ध मकर दो स्वर्ण मालिनी वसन दिया है ना, और सहस्रपुटी अभ्रक दिया है ना मैंने, और अरे वाह महाकल्याण बहुत घृत बढ़िया। दिया है ना मैंने, दिया है मैंने, जी 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 और वो जो भी घी वगैरह डालना है उसको राइस ट्यूब से वो पिघला के खाने में मिक्स करके डाल देते हैं, 2-2 घंटे पे फीडिंग दे रहे हैं राइस ट्यूब से, तो वो लोग ऐसे टेंशन था कि नस से देंगे तो कुछ तकलीफ तो नहीं होगा। मैंने कहा आप हमारे सामने करिए नस से, जब मैंने सिखा दिया उसके जीजा को आप डालिए, तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया, और 7 दिन में तो न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया, यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर है चारू दत्त आपटे सर, उनका सह्याद्री हॉस्पिटल है 5-6,
तो उन्होंने देखा, वो बोले वाह, ऐसा तो जी चमत्कार हो गया, ऐसा तो गॉन केस होता है कि मतलब हमने बोल दिया नहीं होगा तो भी आप इतना अच्छा हो रहा है। वो बोले आप आयुर्वेदिक कंटिन्यू करिए। और जब बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट कोई बोलता है तो लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सच में होगा। फिर हम 1 महीने बाद फिर MRI करा के देखेंगे क्या होता है। लेकिन वही कुलदीप जी का ही केस है सर, जो आपने किया था ना, सेम वही केस है, वैसे ही केस उसमें। लेकिन कुलदीप जी का थोड़ा सा लेट हो गया था सर, आपके पास आते आते वो लेट हो गए, इनका अभी हुआ है। हाँ आ रही हूँ आ हाँ रही सर, हूँ। वो तो काफी लेट हो गए थे सर वो तो, लेकिन ठीक है सर, जो अपन ने कोशिश की, अपन को सीखने मिला उसमें सर, वो केस में। भी आपने किया वो तो बहुत अच्छा किया, उसमें अम्बु शोषण गण पित्त मूल्यादि कषाय आपने दिया था। जी सर, हाँ जी सर, बहुत। हाँ उसमें रिस्पांस भी अच्छा अरे आया ये था। पेशेंट का एज क्या था? और मैं सुन नहीं पाई, सॉरी सर। अच्छा इनका एज 42 है मैम, अच्छा मेल अच्छा पेशेंट है। जो मैंने वीडियो भेजा था ना आप लोगों जी को, जी मैं जी जो भी है वो मैं जो भी रिजल्ट आते हैं बहुत सारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक और मेरे पेशेंट है, उनका मैं चैट भेजूंगा। तो उनका हस्बैंड के साथ कुछ डिवोर्स हो गया और उनको 10 साल से एमेनोरिया है, 38 ईयर्स की है, उनको लॉस ऑफ लिबिडो और शुष्का योनि। वैसा फोटो भेजना अलाउड है क्या ग्रुप में? मतलब उन्होंने भेजा था, शुष्का योनि कैसे पहचानेंगे? तो उसका वीडियो, उसका फोटो है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वो भेज सकता हूँ, शुष्का योनि कैसा होता है। तो भेजिए मैंने सर, उनको ना क्या भेजिए। सीखने के लिए, आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए ना शुष्का योनि जी कैसा सर, होता है, ग्रंथों में सर पढ़ा है लेकिन तिवारी मालूम मैम, होना चाहिए। तिवारी मैम के उसमें है दिया जा रहा हूँ। जी हाँ तो अभी मैं उनको ना जो भी दवाइयां दे रहा हूँ, उनको स्वेलिंग भी था, पूरा बॉडी में स्वेलिंग भी था बहुत ज्यादा, तो उनका 80% स्वेलिंग कम हो गया। और उनका वेगावरोध का हिस्ट्री था, डिप्रेशन था, हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, ये सब तो, और भूख नहीं लगती थी, और उनको ये था कि हेडेक होता था, खाना खाते ही सर दर्द, जो कफ शिरस्टूल है ना वो होता था। तो अभी मेरा दवाई से 80% ये स्वेलिंग कम हो गया है, सर दर्द नहीं हो रहा है, लिबिडो आने लगा है। वो खुद बोल रही है कि मुझे इच्छा हो रही है अभी, और हर चीज अच्छा होने लगा है। और फिर मैंने उनको कल बोला कि योनि पीछू रखी है अभी, फिर उनको मैं मेंसेस लाने के लिए ग्रंथिरस फॉर्मूला वगैरह दूंगा। मेन उनका कंसर्न था कि स्वेलिंग कम हो और हेडेक कम हो, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो ये भी मैं थोड़ा भेजता हूँ आप लोगों को, तो इससे फायदा होगा। सर, एमिनोरिया ठीक हो गया क्या? नहीं अभी मैंने दिया ही नहीं है एमेनोरिया का, मुझे सबसे पहले उनका अग्नि अच्छा करना है। अभी उनका 15 दिन हुए मैम, 15 दिन में इतना फायदा हुआ। एमेनोरिया के लिए मैं दूंगा, मैंने पहले कहा था कि हेडेक कम करूंगा, स्वेलिंग कम करूंगा और भूख बढ़ाऊंगा। सर हेडेक ठीक हो गया उनका उनका? 100% हेडेक नहीं होता जी अब। और खाना, भूख लगने पे मैंने कहा कि पूरा दिन मत खाइए, जब ऐसा भूख लगे कि वो पागल हो गई, खाना के बिना नहीं रह सकते हैं, तभी खाना खाना है और आधा पेट खाना है। तो वो फॉलो कर रही है और उनको अच्छा हो गया। और उनको जब लिबिडो इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने कहा 10% लिबिडो इंक्रीज हुआ है 15 दिन में, तो वो अपने हस्बैंड से बात करने लगी है। तो मैंने कहा कि ये कुछ तो मेरे से पुण्य हो रहा है ना, आपका हस्बैंड और आपका बातचीत शुरू हो गया। तो ठीक है ना, अभी एमेनोरिया के लिए मैं दूंगा स्टेप बाय स्टेप, एक ही बार सब दवाई दूंगा। तो अभी क्या है ना, वो पुणे के एक बहुत बड़े वैद्य से 1 साल से इलाज करा रही थी, तो वो लोग जो दवाइयां दे रहे थे उससे उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। तो यहाँ यूट्यूब में देखा, मेरा नंबर निकाला, तो मैंने कहा कि मैं आपको जो भी दवाई दूंगा आप मेरे को 7-7 दिन पे फॉलोअप देते रहिए। तो उनको जो फायदा हुआ, पहले का फोटो और बाद का फोटो मैं देता हूँ, दिखाता हाँ हूँ ग्रुप में। जी आयुर्वेद जो ये से सब केसेस में काम करता है ना वो। और हाँ एक और मुझे ये भी बताना था कि वो जो शुष्का योनि व्यापक बोला था ना उन्होंने, तो अब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, वहां से सिक्रीशन आने लग रहा है। तो मैंने कहा फलघृत का योनि पीछू रखिए और फायदा होगा। ठीक है, मैं 15 दिन में एमेनोरिया नहीं ठीक कर सकता, जो 10 साल का पुराना बीमारी है, इतना फास्ट नहीं होगा, मेरे से टाइम लेगा। ठीक है मनीषा मैम, आप होस्ट हैं अभी, मेरे को जी होस्ट हम बना होस्ट हैं, सकती जी हैं? सर।
बताइए सर कैसे करना है। आप पार्टिसिपेंट में जाइए, डॉक्टर अरविंद पाठक के पास जाइए। एक मिनट सर जी। हो गए सर, हो गए सर। सर आवाज नहीं आ रही फिर आपकी। सर आवाज नहीं आती है। सर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है सर। आपको गुड इवनिंग मनीषा मैम। जी मैम, गुड इवनिंग। मैम एक केस था, एक लड़का है 19 साल का है और ना उसके पिंपल थे मैम, तो अभी जी थोड़े थोड़े पिंपल होते हैं लेकिन ना वो जो कहते हैं ना पिंपल के बाद जो स्कार बन जाता है ना थोड़े खड्डे खड्डे जी पड़ जाते हैं, तो वो है मैम। तो मैम वो क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या अभी। हाँ मैम, हो सकता है। उसमें अभी काफी पहले एक मैम बताई भी थी कि अश्वगंधा और दही का लेप बना करके उसमें लगाते हैं, और मैं तो लावण्य का पैक लगाती हूँ। लावण्य एक मेडिकेटेड पैक है, उसको लगाती हूँ। तो उसको पहले कच्चे दूध से साफ करके, जायफल और कच्चे दूध से साफ करके, और थोड़ा सा स्टीम देती हूँ उसमें निम्बादी का। स्टीम देने के बाद थोड़ा सा चंदन से एक लेयर साफ करके और फिर उसको लेप लगाती हूँ, तो उसमें काफी स्कार फिलअप हो जाते हैं। और खाने के लिए भी थोड़ी औषधियाँ देते हैं हम, मैम खाने आप के लिए दो भी। मिनट मैम 2 मिनट होल्ड करेंगी, मैं लिख लूँ एक बार। अच्छा हाँ जी मैम, सॉरी मैम डिस्टर्ब करने के लिए। मैम अभी लिखवा दीजिए। हाँ मैम, थोड़ा सा स्टीम देते हैं क्योंकि वहां वो टिश्यू है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। टिश्यू जी सॉफ्ट मैम, होने के लिए स्टीम में आप मैं दुग्ध का भी, खीर का भी देती हूँ स्टीम, खीर का ओके स्टीम देती हूँ, और निम्ब का भी देती हूँ, निम्ब पत्र का भी देती हूँ। तो वो देने के बाद उसको फिर इससे धावन कर देती हूँ मैं, चंदन और मैं इससे त्रिफलादि से धावन करके, तो थोड़ा सा टिश्यू वहां पर एक लेखन, बहुत स्मूथली लेखन हो जाता है। फिर इसके बाद मैं लावण्य का पैक लगाती हूँ, उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा घृत मिला करके। मैम लावण्य का ये कंपनी लावण्य है मैम। हाँ लावण्या कंपनी नहीं है, लावण्या एक फेस पैक आता है मेरा, साउथ से आता है ये, तो ओके इसके कुछ कंटेन है मैं बता दूंगी आपको। ठीक है मैम। और मैम जो चंदन, पहले आपने बताया था अश्वगंधा और हाँ अश्वगंधा और जी दही का लेप मिक्स करके खूब अच्छे से फेंट के, ताजी दही और अश्वगंधा इसको लेप कर देते हैं फेस को क्लीन करके, और थोड़ा सा अभ्यंग भी करें उसको फेस में। अभ्यंग में बला या चीरबला का तेल लेकर के उसको अभ्यंग कर सकते हैं, या चंदन आदि का तेल लेकर के उसको भी अभ्यंग कर सकते हैं, आपके उसमें अकॉर्डिंग जो अवेलेबल हो ये दोनों तीनों में। और मैम मेरे इससे पास लाक्षादी चंदन चंदन बला लाक्षादी तेल पड़ा हुआ है है। वो तो और अच्छा है मैम, वो तो हील भी करता है लाक्षादी ना, वो अच्छा ठीक जो है। स्टार बन जाते हैं वो हील भी करता है। फिर रात में सोते समय कुमकुम आदि को थोड़ा सा लगा के, वन वन ड्रॉप, और रात में उसको हल्के हल्के हाथों से उसको सोने के लिए, दिन में नहीं लगाना है कुमकुम आदि। ठीक है। और मैम ये और लवण्य अश्वगंधादि, अश्वजीत का कैप्सूल, अश्वगंधादि ये सारी चीजें योग बना करके भी दे सकते हैं, अश्वगंधा रिष्ट भी दे सकते हैं। उसका पहले वो देखिए मैम कि वो कैसा है, फैटी है या स्लिम है या कैसा है, नहीं एज मैम, क्या है, एक्चुअली एज हाइट के ही अकॉर्डिंगली उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं क्योंकि जिम करता है तो क्या फिर है मत। मैम, एज क्या है। 19 ईयर मैम। 19 है, सॉरी मैं अभी ध्यान नहीं रहा, 19 ईयर का। हाँ मैम, थोड़ा सा उसको ना रस रक्त पे भी काम करिए, थोड़ा आरोग्यवर्धनी भी चलाइए साथ में, क्योंकि ये फिर होता है मैम, एक आध साल के बाद ना फिर रिपीट हो जाते हैं पेशेंटों में, देखने को मिलता है। तो मैम दीपक एक्चुअली पात्र, स्कार्स ना बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा हो गए हुए हैं स्कार्स ना पूरे फेस के ऊपर, चीक्स और पूरा भी फोरहेड तक भी वो ऊपर मतलब जा रहा है, तो अभी वो थोड़ा सा कंसर्न है इसीलिए कि थोड़ा कॉस्मेटिक मतलब कॉस्मेटिकली भी थोड़ा सा पेशेंट फिर बाहर जाने में भी उसको थोड़ी दिक्कत होती है कि
सारा फेस जो है वो कवर किया हुआ है। नहीं, मैं इस एज में जो है टीनेजर्स जो है उसमें करती हूँ, उसमें आप बेनिफिट मिलता है मैम, और थोड़ा शीर वाला जेल कैप्सूल वगैरह भी दे देती हूँ, यदि अच्छा है, वेट बहुत हैवी नहीं है तो घृत का भी प्रयोग करते हैं, ठीक नहीं मैम, हो हैवी जाता है। वेट तो है पेशेंट, 15-20 किलो तो ज्यादा होगा मैम। हाँ तो मत दीजिए उसको, उसको असुजिट दे सकती हूँ, उतना मत और मैम दीजिए। ये लवण्य और अश्वगंधा घृत को ये सबसे लास्ट में डालना है हम लोगों ने, पहले हाँ स्टीम मैम, उसको करके। पैक लगा के और फिर उसको छोड़ सकते हैं, सूख और पैक मैम कितनी देर तक रखेंगे? जाने तक। ड्राई हो गया तो गरम गुनगुने पानी से पहले हल्का वॉश करेंगे, स्क्रब हाँ नहीं हाँ करेंगे, हल्का वॉश करके फिर कॉटन से धीरे धीरे निकाल देंगे, और रात में ठीक फिर है, कुमकुमादी लगाएंगे मैम, कुमकुमादी तेल। कुमकुमादी। हाँ कुमकुमादी तेल अच्छी कंपनी का लेंगे मैम। और मैम जैसे ये हमारे रक्त शोधक हैं जैसे मंजिष्ठादि, घनवटी, नीम घनवटी, मैम ये तो चलेगा, ये तो पैरेलल चलेगा ही। है ना, ये स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना? जी, ठीक है, ठीक है इसे मैम, थैंक इसको यू। थोड़ा सा ना ये भी करिए, थोड़ा प्राणायाम भी करें, और कोष्ठ को भी देखिए उसकी, ये भी देखिए कि सोने उठने का क्या है, मानसिक भी ज्यादा ही ना रहे, मोबाइल और इस पे ना रहे ज्यादा, इसको भी ध्यान दीजिए। जी जी मैम। हाँ मैम ये मैम, तो लवण्य मैम लेप आप मैम कहाँ हमको से मिलेगा? ये तो साउथ की कंपनी का है मैम, मैं कंटेंट डाल दूंगी आपको, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके, मैम ये कंटेंट डाल डालूंगी। दूंगी आपको। मैम ये मंजस्तरी घनवट्टी और नीम घनवट्टी का। हेलो मैम अब आवाज नहीं आ रही है मैम, हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। मैं मनीषा मैसेज मैम आप करती मेरे हूँ मैम, को होस्ट बनाइए, मनीषा मैम अगर सुन पा रही है मुझे होस्ट बनाइए। बंद कर हाँ दो। सर अभी तो बनाई मैंने, नहीं, उस टाइम चला गया। चला गए। हाँ तो चले गए। प्रशांत भट्ट जी मैंने ग्रुप में भेजा है, आप देख लीजिए, आफ्टर 15 डेज का भी मैं भेजता हूँ। जी सर, मैं देखता हूँ, हाँ थैंक यू सर। ठीक है। तो ऐसा फेस पे पूरा स्वेलिंग था, मैक्सोएडिमा जो बोलते हैं ना, पूरा फेस पे स्वेलिंग था, पैरों में स्वेलिंग था, खाना खाने के बाद सर दर्द होता था, सीवियर हेडेक जैसे कि मर जाएंगे, इतना ज्यादा, कोई भी पेन किलर काम नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा मतलब उनकी रस दुष्टि वगैरह थी, लॉस ऑफ लिबिडो 100%। तो अभी उनको 15 दिन में इतना फायदा हुआ है कि हेडेक बंद हो गया, भूख लगने लगा और स्वेलिंग कम हो गया। आफ्टर 15 डेज का मैं फोटो भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, ठीक है। और शुष्का योनि व्यापक है तो 10 साल से एमेनोरिया है, तो मेंसेस ही नहीं आए 10 साल से। उनका एज है अभी 38 ईयर्स, तो 28 साल से एमेनोरिया शुरू हुआ है और आज तक देखिए। और उनका जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ऐसा है कि मेनार्के के टाइम उनको 2 दिन हॉट फ्लैशेस होते थे, और उसके बाद में मेंसेस आते थे, और उसके बाद भी कम ही आते थे, स्कैंटी मेंसेस ही आते थे, और उनको मतलब अध्यसन, विषमाशन, ये सभी हिस्ट्री है पूरा। शादी हुआ तो ऐसा केस चैलेंजिंग केस, पुणे के डॉक्टर से 1 साल इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हुआ कुछ भी। सर अभी मैं भी एक दो पहले बहुत पहले केस डिस्कस की थी, ऐसी पेशेंट थी, उसको 6 साल तक उसका शादी हुआ, बट वो पति पत्नी रह नहीं पाते थे साथ में, और उसको बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ये मैंने योनि धावन करके और फिर उसमें उत्तरवस्ती देके और फिर पिचू धारण कराई, और पिचू धारण करा के उसको थोड़ा सा फैट लॉस करने के लिए दिया, उद्वर्तन करके स्नेहन स्वेदन कराया, शिरोधारा नस्य कराने के बाद फिर वो मतलब वो मिरेकल था। उनके परिवार वाले बोले कि डिवोर्स का चल रहा है ये केस और बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी 3 महीने यहाँ रहने के बाद मदर के पास थी, और रहने के बाद गई तो वो फिर कंसीव भी की सर, इतना मिरेकल होता है आयुर्वेद में। ठीक जी है। सर, हाँ ठीक है, लेकिन सर मैं इतना इतना शोष 15 दिन में इसका कैसे इतना जल्दी इतना अच्छे से हो गया? तक्र सेवन किया, कराया, घृत पान करा रहा हूँ। शोध अभी कैसा है वो मैं बताता हूँ, वो मैं फोटो देखना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन शोध इतना ज्यादा था ना मैम, इतना ज्यादा जी पैरों में शोध था कि
वो मतलब, और आयुर्वेद का इलाज भी चल रहा था, जो डॉक्टर थे, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि डायग्नोसिस अच्छे से नहीं हो पाया। जहाँ डायग्नोसिस अच्छा नहीं होता है, वो दवाइयाँ कुछ भी दे रहे थे, स्वर्णमालिनी वसंत क्या क्या दे रहे थे। तो दीपन पाचन अनुलोमन जो हमारा बेसिक है वो होना जरूरी। आम का पचन नहीं होगा, आप शोथ की दवाइयाँ कुछ भी देंगे तो कैसे होगा? आम का पचन होना जरूरी है। उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया था वो भी मैं दूंगा, लेकिन वो किसी का बुराई नहीं करना चाहिए हमें यहाँ पर। सर, इसको तो जैसे हम फिंगर से ऐसे प्रेस करते हैं तो वहां गड्ढे आ जाते हैं ऐसे पेशेंट में हाँ, फिटिंग एडिमा। अभी जी। मैं ये पेशेंट को पूरा ठीक करके यहाँ लाऊंगा। श्योर एमनोरिया मुझे करना है और इनको कंसीव भी कराना है, ये ठीक हो जाएंगे। सर, बहुत 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 ज्यादा आपसे हम लोग सीखते हैं सर, बहुत ज्यादा और प्रैक्टिकली सर, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। अभी हम मैं बाद में फोटो भेजता हूँ इनका, मुझे मिल नहीं रहा है, बाद में भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, किसी को कुछ बोलना है। मनीषा मैम आपने बहुत अच्छा बताया, गीता मैम पूछिए, अंजना मैम भी आ गई हैं। हाँ पूछिए मैम। हाँ सर, मेरी सासू माँ का राइट नी जॉइंट में सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट का बोला है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन तो चल रही है, पर उसका जो जगह होती है ना हड्डी के बीच में, जॉइंट में, हाँ वो कम हुई हाँ और एक साइड बहुत कम हो गई है। मैं तो उसका इसके एक्सरे भी मैम परसों भेजूंगी। लेक्चर हुआ था ना, मिनिस्कल्स टेयर या फिर उसमें पूरा डिजनरेटिव चेंजेस, उस पे लेक्चर हुआ था। आप जानू बस्ती करिए, फिर उसमें बस्ती दीजिए शीरबला तेल का, और गूगल कर हाँ, दीजिए। वो अभी योगराज भी तो चल रहा है और एक में स्वर्णकल्प चला रही हूँ, आज से वो स्टार्ट किया। बाकी दीपन आपको पूरा पाचन चल ट्रीटमेंट रहा सीखना है मैम, है। ट्रीटमेंट हाँ सीखना है पूरा? हाँ हाँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोलते बोलते थक गया हूँ। प्रशांत भट्ट जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप प्रशांत भट्ट जी थोड़ा बताएंगे, नी जी में पूरा सर, मिनिस्कल पूरा डिजनरेशन हो गया है, आप ट्रीटमेंट बताइए सर। जी सर, बिल्कुल। डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट आपका? नहीं, कोई और कोई मेडिसिन नहीं चल रही सर उसको। नहीं, शुगर तो नहीं है उनके लिए? नहीं, कोई कोई चालू नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ही हुआ थायराइड इतना। शुगर कुछ नहीं है ना? कुछ कितना नहीं उम्र है नहीं उनका, उम्र कितना है उनका? 73 है, 73। अच्छा, वजन कितना है? अच्छा, वजन 60, और हाइट कितना है? अच्छा, हाइट 5'3", तो वो सही है सर, वो उतना वेट नहीं है। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले तो उनका जैसे दीपन पाचन कराएं, और दीपन पाचन कराने के बाद यहाँ पे आप उनको जानू बस्ती दें। जानू बस्ती में बहुत सारे तेल हैं, आप क्षीर वाला तेल हो गया, सहचर हो गया, महानारायण हो गया, प्रसारणी हो गया, इसमें से कोई भी एक तेल आप चूज करके उसका आप उनको जानू बस्ती दें। दूसरा, यहाँ पे आप चाहो तो जानू धारा भी दे सकते हैं, तेल को गर्म करके जले पर ना वो, और ऊपर से गिराना है। दूसरा, यहाँ पे आप मात्रा वस्ती का यूज करें। मात्रा वस्ती में यहाँ पे आप क्षीर वाला तेल है, या महानारायण तेल है, या आपका सहचर तेल है ना, इसका आपको उनको मात्रा वस्ती देना है। मात्रा वस्ती 60 ml से लेके 100 ml तक, जितना उन पे वो ले सके वो लें। यहाँ पे आप गुक्कुल तिक्त घृतम का यूज करें, या यहाँ पे तिक्त क्षीर वस्ती का यूज करें आप, इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। यहाँ पे आप नस दे सकती हैं उनके लिए, और यहाँ पे आप पत्र पिंड सोयत भी कर सकते हो, है ना। उसमें आप पत्र पिंड सोयत में आप एरंड पत्र ले लें, निर्गुंडी के पत्र पत्र ले लें, यहाँ पे आप अश्वगंधा के पत्र ले लें, उनको अच्छे से कोई भी बालसमक तेल में फ्राई करके उसमें मेथी नींबू का रस लहसुन डाल के पोटली बना लें, और उस पोटली को कोई भी बालसमक तेल में, पहले पोटली गर्म करके कोई भी तेल आपका बालसमक तेल में डुबा के, फिर उसको बढ़िया से उस पूरे ज्वाइंट पे आपको मसाज करनी है, और उसको उठा के रख के, बार बार रख के उठाना, रख के उठाना से सिकाई करनी है, तो उससे बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा उनके लिए। यहाँ पे आप महायोग राज गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल यूज कर सकती हैं, महारासनादि काढ़ा यूज कर सकती हैं। यदि पेशेंट अफोर्डेबल है तो यहाँ भदवा चिंतामणि रस का बहुत अच्छा रोल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी टेन मेडिसिन आती है कुछ, जैसे कैप्सूल रिलैक्सी आता है, ये भी आप यूज कर सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप की दवाइयाँ दें तो उससे ठीक होता है पेशेंट।
और करीबन 3 महीने 6 महीने 1 साल लगते हैं पूरी तरह ठीक होने में, ठीक हो जाएगा जी। हाँ वो तो। सर इसमें नसें कौन से ऑयल का देंगे? बुलाते हैं जी सर, थैंक यू। और जो भी उनके हिंदू सेवन है वो बंद करा दीजिए, है ना, कि वात शामा का हार तो सेवन नहीं कर रही है, भय शोक चिंता भयात वायु तो नहीं कर रही है, रात्रि जागरण तो नहीं कर रही है, रूखा सूखा तो नहीं खा रही है। और यहाँ पे आप नरसिंह रसायन भी बहुत से यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे नरसिंह रसायन हो गया, या आपका अर्जुन घृत हो गया, शताब्दी घृत हो गया, इस टाइप की दवाई है देना है आपको। वहां पे स्नेहन करना है, जितना स्नेहन आप करेंगी ना वो धीमे 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 पूरा पूरा का पूरा वो आपका घुटना ठीक हो जाएगा। हाँ, वो अभी दाढ़ी मादी घूस चल रहा था, आज से घुंघलू तिथि घूस चालू किया है। और मेरी सासू सासू माँ ही है, तो ड्रग तो कोई भी चला सकते हो, पैसे की तो कोई तकलीफ नहीं ना सर घर में, तो इसीलिए और उनको आप कोई छीर दिक्कत वाला, नहीं। और जी, तो उनको आप छीर वाला और तिक्त, और ये आपका तिक्त शीर बस्ती गुगुल तिक्त डाल के अल्टरनेट दो आप इसके लिए, तो उससे बढ़िया ओके परिणाम ओके मिले। और जानू बस्ती ओके का आज करो आप, आज 45 मिनट शाम के से लिए ट्राई आप जानू करती हूँ। बस्ती। ओके ओके हाँ आप ना ग्रुप में देखिए प्लीज, वो मैंने 15 डेज में पेशेंट ने खुद मैसेज किया है कि क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने कहा 30% स्वेलिंग कम हो गया है, लेकिन पेट में अभी भी गैस है, भारी भारी लग रहा है, और हेडेक कम हो गया है, लिबिडो इंक्रीज हुआ है, और उनका पैर देखिए ग्रुप में देखिए तो उनका स्वेलिंग पूरा कम हो गया है, स्वेलिंग रिड्यूस हो गया है, लेकिन फेस का नहीं हुआ है, फेस का भी 30% है। ओके तो ये 15 दिन में आया रिजल्ट, वो भी पेशेंट कितनी 10 साल पुराना क्रॉनिक बीमारी है, तो 15 दिन में इतना हुआ ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे और क्या क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है क्या? सबसे मेन दीपन पाचन अनुलोमन हम करते हैं ना, अपने आप शोथ कम होते जाते हैं। हाँ सर, मनीषा मैम कुछ उद्वर्तन इसमें कर बोल, सकते हैं क्या सर? किसमें इसी में शोध में उद्वर्तन कर सकते हैं अपन? उद्वर्तन? वो कलकत्ता में है तो वहां पे उद्वर्तन कैसे करेंगे, ठंडी है, 10 डिग्री सेल्सियस है, अच्छा, यहां से ट्रीटमेंट वहां हो कराऊंगा रहा है सर? ओ सब कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब पेशेंट जो होते हैं ना वो ट्रीटमेंट ले लेके थक जाते हैं, 1 साल से आयुर्वेदिक इलाज कराया, अब उनको एक ऐसा स्टेज आ गया था कि अब कुछ नहीं इलाज हो सकता, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, उद्वर्तन भी कराऊंगा। और मेरा अभी 2nd मंथ रहेगा वो एम अनुरिया को ठीक करना है, शुष्का योनि व्यापद को ठीक करना है, अरजस का और शुष्का योनि व्यापद दोनों है ऐसे 10 साल जी से, कराऊंगा मैम सब कराऊंगा, सब कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं नस्य भी नहीं दिया हूं, केवल मैं शमन दिया हूं, अभी नस्य और बस्ती भी कराना है, सब कुछ कराना है। कम से कम हमारा ये टारगेट रहता है कि पेशेंट हमारा विश्वास करे कि कुछ फायदा हो रहा है। तो अभी उनका हेडेक कम हो गया, भूख लगने लगा, स्वेलिंग कम हो गया, लिबिडो इंक्रीज हो रहा है, बस इतना भी हो जाए ना फिर पेशेंट हमारी हर बात मानता है, हम उद्वर्तन बोलेंगे, अभ्यंग बोलेंगे, स्नेहन शोधन बोलेंगे, सब करेंगे जी। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, अंजना मैम से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई चैलेंजिंग केस जो सॉल्व नहीं हो रहा है पूछिए, तनिका मैम कुछ पूछिए अंजना मैम से, कोई केस आप लोगों को नहीं आ रहे ट्रीटमेंट करते हुए पूछिए सर पूछिए। सर पेशेंट तो हाँ नहीं, एक क्यूरियोसिटी थी मतलब मेरे को, हाँ ये मतलब कि बचपन में एक रिश्तेदार थे मेरे, तो उनका इनफर्टिलिटी का केस था, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो 20-22 साल वो रहे, और उसके बाद जो 40-42 40-45 साल की उम्र में दोनों का डाइवोर्स हो गया, और उन डाइवोर्स होने के बाद उनके जहां जहां शादी हुई दोनों को बच्चे हुए, तो सर ये कैसे हुआ होगा मतलब। अभी इसका ये हो सकता है कुंडली में कुछ होगा प्रॉब्लम, जो जी उनसे सर, संतान नहीं लिखा होगा। अच्छा सर, जी सर, जी सर इसमें जी एक स्ट्रेस फैक्टर भी आता है। जब मैंने ये चीज देखी है सर, मेरे घर में ही ये चीजें हुई है कि 10 साल में सर ये वो था कि शादी हुई,
तो वो दोनों के एक्चुअली नेचर सर डिफरेंट होती है कई बार, कई एक एक शांत होता है और एक थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव का होता है, तो दोनों की नेचर जब सेम नहीं होती ना सर, तो स्ट्रेस फैक्टर बढ़ते हैं लाइफ में ना, वो अब उनके आपस में स्ट्रेस फैक्टर इतना ज्यादा होगा कि वो कुछ भी करेंगे ना सर तो कुछ होगा ही नहीं सर, तो ये चीजें सर मैटर करती हैं। तो अभी उनके घर में बेबी हुआ है, तो अभी वो 11 साल के बाद हुआ है, तो मेन कॉज यही था, बीच में स्ट्रेस था क्योंकि वो एक और दूसरे का सर कंपैटिबिलिटी नहीं था। दूसरा हाँ कंपैटिबिलिटी नहीं था, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो यस सर प्यार यस, मोहब्बत भी हाँ यस सर, ये है, ये तो रीजन है सर। ना। जी सर, थैंक यू सर। और ऐसा हमारे सर के पास भी होता है, मैंने सर के क्लिनिक में देखा है कि एक विवाह में नहीं हुआ, बाद में दूसरे जगह हुआ तो उनका हो गया, दोनों का हो गया, ऐसा बहुत बार होता है। जी सर, थैंक यू सर। सर वो मैं तो मुझे पेशेंट लगता है कि कुंडली में कुछ दोष होगा कि उनके साथ सर, नहीं लिखा होगा। यस ठीक सर, है। अंजना मैम से पूछना था मुझे। जी अंजना मैम आपसे पूछना चाहती हैं, तनिका मैम। अंजना मैम जी सर, मैम नमस्कार सर। प्रणाम, जी सर, मैम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बताइए बताइए जी। मैम, वो एक पेशेंट जो अमिनोरिया वाला था ना मैम, थैंक यू, वो उसको पीरियड्स आ गए हैं, जी मैम, और यस मैम अभी बहुत खुश है। और मैम एक केस और था अभी जब मैंने आपसे पूछा था कि मैम उसको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम थी, जी तो मैम अभी वो पेशेंट ने वो बस्ती लेने के लिए रेडी नहीं है, तो उसके लिए और कुछ कर सकते हैं क्या? जब मैंने बोला था मैं 5 ml सैचर तेल की उसको बस्ती दे देती थी, उस उत्तर बस्ती ब्लैडर में, जी मैंने उसको जी बोला थोड़ा समझाया, तो मैम वो मानी नहीं, तो उसमें कुछ शमन चिकित्सा हो सकती है क्या? अब गहन श्वेत कराया। मैम मानी नहीं ना वो पंचकर्मा के लिए, वो किसी चीज के लिए मानी नहीं, वो बोली अगर देखो और तो मेडिसिन। घर पर भी कर सकती है ना, उसको बताइए, वो घर पर भी कर सकती है ना। अच्छा घर पे टब ठीक है बात मैम, घर एज ए टब बात, हाँ एज ए टब बात, उसको आप एडवाइस करेंगे ना पंचवल्कल क्वाथ से, ठीक है, वरुण शीघ्र क्वाथ से, और योनि पूरण कर दीजिए उसका। योनि पूरण से भी फायदा मिलता है, चांगेरे घृत का योनि पूरण करिए उसमें। और पहले सो हल्का दीपन पाचन जरूर करिएगा, दीपन पाचन करने के बाद उसका जो है अब गहन स्वेद, जैसे टब बात बता दीजिए, टब बात जो है क्वाथ बना के पानी में मिला के वो बैठेगी, और उसके बाद उसका योनि पूरण करवा दीजिए चांगेरे घृत से। ठीक है मैम, जी मैम ये मैं टेबलेट कर, टेबलेट हाँ टेबलेट नियो काम करता है अच्छा, यहाँ पर चंद्रप्रभावती का भी रोल है। जी हाँ जी मैम। मैम चंद्रभावटी मैंने स्टार्ट करी हुई है, नियो मैंने स्टार्ट नहीं करी थी, तो वो हाँ, लेकिन पहले थोड़ा दीपन पाचन जरूर कराइएगा, और थोड़ा सा जो है उसको जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, और अब गहन श्वेत करा के एक बार प्रॉपरली जो है उसके बाद जब उसको चांगेरे घर से क्या होगा ना, उसको वो स्ट्रेंथ मिलेगी वहाँ की पेरिनियल मसल्स को भी, यूरेथ्रल मसल्स को भी। और मैम ये कितने दिन करवाऊं उनको? ये 3 मंथ कम से कम चलता है। 3 months। जी तो योनि पूरन भी मैम डेली डेली डेली? हाँ, डेली क्या दो बार भी कर सकते हैं। जी मैम जी अभी स्टार्टिंग में दो बार भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, मैं करके देखती हूँ मैम, ये बोलती, ठीक जी है मैम। वो वाला केस के बारे में आप जरा सबको बताइए, जिसको एमिनोरिया ब्लीडिंग, वो उसको पीरियड आना शुरू है, उसके बारे में थोड़ा सबको बताइए। हाँ जी, हाँ जी मैम, जी मैंने फिर हमने कल भी डिस्कस किया था, कल शायद परसों किया था, कल ही किया था से शायद, बताइए, फिर से कर तो लीजिए। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली वो पेशेंट की मतलब एज 23 थी, तो उसको पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे और उसका वेट गेन भी ज्यादा था, और मैम एक्चुअली उसकी हिस्ट्री, अभी उसको पीसीओडी भी हो गया था, उसके कारण जो सारा वेट गेन हार्मोनल इम्बेलेंस आ रहा था। तो अभी फिर मैम वैसे उसको मैंने वो नष्ट पुष्पांतक और त्रिकटु वगैरह दीपन पाचन मैंने सारा चलाया हुआ था, तो फिर उसको आ नहीं रहे थे पीरियड्स, तो फिर मैम वो जो ग्रंथि रस वाला फार्मूला है फिर वो स्टार्ट किया था, जब आपसे बात करी थी तो आपने यही चीजें जो बताई थी फिर मैंने वो चलाई है, तो फिर उसको उसके बाद मैम पीरियड आ गए थे, 15 days के बाद ही आ गए थे मैम उनको पीरियड्स। मैम आवाज आ रही है क्या मेरी मैम? जी मैम, जी मैम, जी मैम, सुना मैंने पूरा केस सुना, अच्छा लगा। जी, जी मैम, थैंक यू मैम, वो बोले डिस्कशन किया था उसके बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था वो ग्रंथि रस वाला फार्मूला भी, और वो मैम, काले तिल और गुड़ के साथ, और वो उसको 15 days के बाद आ गई है, अभी वो काफी सेटिस्फाइड है मैम। ठीक है मैम, आगे के लिए भी ध्यान दीजिएगा। जी जी मैम प्रणाम मैम।
जी मैम, थैंक यू मैम, खुश रहिए। और किसी को कुछ केस डिस्कस करना है तो करिए, यहाँ हम सक्सेस स्टोरीज भी बात करते हैं, कितना रिजल्ट है वो भी बात करते हैं, हम कोई भी चीज छुपाते नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि जो भी करते हैं हम सच सच बताते हैं कि हमने ये दिया, ऐसा दिया, ये रिजल्ट है, तो ऐसा ही हो रहा है। अभी देखते हैं और भी हम पेशेंट कितना ठीक कर पाते हैं, हम बताएंगे। किसी को और कुछ बताना है, शेयर करना है तो करिए। किसी को कुछ पूछना है बताना है, डॉक्टर गंगवार सर, अनुरीता मैम, कुछ पूछना है बताना है तो बताइए, पूछिए सर। कल मैंने कल बोलिए। मैंने एक केस डाली थी सर, क्योंकि आपने जस्ट प्रेस सबड्यूरल हेमरेज जो टॉपिक लिया था उससे से वो हेमरेज तो नहीं था, लेकिन मैंने एक केस डाली थी जिसमें सिंगल सिंगल गायरस के ऊपर लीजन था। पेशेंट एक्चुअली मेरे पास में सेरेब्रल एट्रोफी का स्कैन लेके आया था, लेकिन पेशेंट अनयूजुअली कंप्लीट पैरालिसिस में भी नहीं है, हेमी पैरालिसिस में भी नहीं है, और उसको एकांगवाद केस में भी नहीं, लेकिन वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, देन राइट साइडेड वीकनेस ज्यादा है, लेफ्ट साइडेड अभी शुरू हुआ है, तो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसकी वजह से मैंने स्कैन डाला था। चाहिए तो मैं फिर से डाल देती हूँ, उस चीज के बारे में मुझे थोड़ा सा करना था, हम इसको एकांगवाद की तरह या फिर है तो वातिक व्याधि ही, लेकिन पेशेंट का एज सिर्फ 56 या 57 है, इसमें सेरेब्रल एट्रोफी अनयूजुअली फाइंड होती है, यूजुअली इतनी सेरेब्रल एट्रोफी नहीं, लेकिन इसका मिड ब्रेन भी एट्रोफिड है, जिसकी वजह से उसका अनकंट्रोल मैच्योरेशन धीरे धीरे, 1-1.5 साल से वो ट्रीटमेंट कहीं लेके आ रहा है पेशेंट अपने पास में, लेकिन मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट केस टेकिंग और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि 1 साल पहले का वो था, और सिंगुलेट गायरस यूजुअली अपने इंफीरियर लोब में इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद में कुछ ऐसी दिक्कत, क्योंकि फर्स्ट केस होगा कि जिसमें सेरेब्रल एट्रोफी के अलावा कुछ बाकी के अनयूजुअल फाइंड है, और वो कंप्लीट ऐसे जैसे इम्बेलेंस हो जाता है, गिर जाता है उसके बाद, मतलब उसके मोटर फंक्शन भी इन्वॉल्व है और स्पीच एरियाज वगैरह भी इन्वॉल्व है, तो वो केस मैंने कल परसों डाला था, आप एक बार देख लीजिए, अगर नहीं तो मैं फिर से उसका आप एक बार फिर से डालिए, फिर देख के हम डिस्कस करेंगे। श्योर सर, श्योर, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं पेशेंट का आज का वीडियो में आपको दिखाती हूँ सर, आपको पैरालिटिक भी नहीं लगेगा, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई चलो एक जगह पे कोई राइट साइडेड लोब इन्वॉल्व है और वहां पे पक्षाघात की हिस्ट्री है, तो पक्षाघात का हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कर दे, विरेचन मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ तो मेरे इसमें बस्ती नस्य और विरेचन शोधन में रहता है, लेकिन मैंने एमआरआई निकालने के लिए बोला है, क्योंकि 1 साल पहले का एमआरआई है, शायद कुछ लीजन वगैरह अगर बढ़ा हो तो, और पेशेंट खुद बीएमएस डॉक्टर है, इसलिए तकलीफ मुझे इस बात की कि वो पोद्दार कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका है और बीएमएस कॉलेज का प्रैक्टिशनर था 1 साल पहले प्रैक्टिस इस प्रॉब्लम, वो इतनी बार गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं, यूजुअली जब मतलब सेरेबेलम में कुछ अगर इन्वॉल्वमेंट है, सेरेबेलर कुछ फंक्शंस अगर, तो हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा फंक्शन बैलेंसिंग ये सारा वेस्टिबुलर कॉकुलर एरिया के साथ में सेरेबेलम के पास में होता है, उसका वो इंटैक्ट है, एवरीथिंग इज फाइन, तो वो चीज मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि आपने जस्ट टॉपिक लिया और मेरे पास में सेकेंड है वो केस आ गई, जिसके लिए मुझे आप एक बार फिर से डालिए, फिर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज का वीडियो भी डालती हूँ क्योंकि आज फर्स्ट कंसल्टेशन था, थोड़ा स्टडी कर रही थी, मैं डाल देती हूँ। जरूर मैम। हाँ, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी नहीं, डॉक्टर मोना गायकवाड मैम, आपने लिखा है कि केस टेकिंग करना है, मोना गायकवाड मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना केस बताइए, आवाज में। हाँ, अनम्यूट करिए फिर से मैम, डॉक्टर मोना गायकवाड मैम, डॉक्टर मोना मैम सुन पा रही हैं क्या? अनम्यूट करिए जी सर, आवाज आ रहा है? आ रहे हैं। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, अपना केस बताइए मैम। जी सर, मैंने आपको बोला था कि मेरा ही केस, आपको केस टेकिंग करके मुझे ट्रीटमेंट सजेस्ट कीजिए करके। आप मुझे जरूर सजेस्ट मैं करूंगा, लेकिन आप सभी लोगों को भी बताइए, सभी लोग भी सुनने आए हैं यहाँ पर। आपको जी सर, जी सर, आप अभी मुझे वीडियो ऑन करके बात कर सकती हैं?
वीडियो ऑन करिए मैम। आ जा रही है, एक मिनट सर, यहाँ पे कवरेज का प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा बाहर निकल रही हूँ। ये मैम का दोनों किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद नया किडनी लगाया है तो इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ चल रही हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं बहुत सारा, और महीने का 20,000 का खर्चा भी आ रहा है और तकलीफ हो रही है। ये केस बहुत सुनने लायक है, इंटरेस्टिंग केस है ये मैम का केस, हम सुनेंगे अभी। सर एकदम स्टार्टिंग से पूछने के लिए बोलिएगा सर, जब से किडनी का उसके पहले से। हाँ नॉर्मल फंक्शन। हाँ मोना मैम, अनुरिता मैम आप ही केस टेकिंग करिए। मोना मैम आपका आवाज, मोना मैम मैंने स्पॉटलाइट दी है सर, यहाँ पे बहुत सारा आवाज आ रहा है, आपको डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? ये बाजू में क्रिकेट के सारे ग्राउंड में ये चल रहे हैं ना मैचेस, तो उसका बहुत आवाज है। मोना गायकवाड मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मैं आप नेटवर्क एरिया में आइए मैम। नहीं 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 पॉसिबल, पर लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां खाने के बाद भी वो दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो आप लोगों को सुनना जरूरी है। मोना मैम अभी आएंगी, फिर से ज्वाइन करेंगी, तब हम बात करेंगे। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? डॉक्टर नवजोत कौर मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? मोना मैम आप आ रही हैं? हाँ आवाज आ रहा सर, अभी आवाज आ रहा सर। हाँ वीडियो बाद में ऑन करिए। वीडियो नहीं दिख रहा होगा सर, वीडियो नहीं दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, आप बताइए मैम आपको क्या क्या तकलीफ है। सर सबसे पहले तो मैं जब 12th में थी सर, तब मुझे सिकल सेल डायग्नोस हुआ जी। तो सिकल सेल डायग्नोस हुआ तब 12th में थी मैं, तो तब मुझे थोड़ा सा वीकनेस था और एनीमिया था सर। मैडम 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 बचपन, हेलो सुनिए ना मैम, आप खुद डॉक्टर हैं शायद। हाँ, सुनिए ना मैम, हाँ इसकी वजह से ना आपसे वो डिटेल में हिस्ट्री चाहिए, बिकॉज आप खुद डॉक्टर है तो आप डायग्नोसिस बोल रही है। आप 12th में थी तो उसके पहले हाँ। आपको भूख नहीं लगना या बीमारी, कुछ एलोपैथिक ड्रग्स लिए हो या फिर कुछ, तो इसके साथ में बताएंगे ना काफी समय हमारा बच जाएगा, क्योंकि आपकी ऐसी केस है मैम एंड यू नो वेरी वेल कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो डिटेल में अगर हेतु और सारा चीज पता चलेगा ना, तो कैसे आप मतलब सबसे पहले रस रक्त दुष्टि कैसे हुई, फिर उसके बाद में मेद तक कैसे संप्राप्ति गई, ये ट्रेस आउट करना इजी हो जाएगा। ओके या हाँ जी मैम, क्या रिया मैम, तो पहले बचपन में ऐसा था मैम कि मैं खाना नहीं खाती थी, शायद मेरी मम्मी वगैरह बोलती है कि मैं खाना नहीं खाती थी, मैं सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाती थी, तो खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं दाल चावल खाने लगी, फिर उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में 7th में वगैरह मैं नॉर्मल डाइट लेने लगी। तब तक मैं खाना खाती ही नहीं थी, फ्रूट्स पे ही रहती थी, ऐसी मेरी हिस्ट्री है। और तब तक तो मुझे क्लिनिकल कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बचपन में मैं जब 6 महीने की वगैरह थी तो मुझे स्किन डिजीज हुआ था शायद, तो उसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही करवाई थी, डॉक्टर बसैये करके थे नागपुर में, उनसे करवाई थी, फिर स्किन डिजीज मेरी ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद में स्किन डिजीज, स्किन डिजीज मतलब सिर्फ खुजली आना या कुछ पिगमेंटेशन? हाँ, या ऐसे पैचेस वगैरह हो गए थे, अभी कैसे मम्मी पापा को पता है उतना सब डिटेल। हाँ। उन्होंने मुझे नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि स्किन में इन्फेक्शन हो गया था करके, लेकिन मुझे उतना ही पता है। आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट लिया था, आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था, स्टेरॉइड नहीं लिया था। ओके, और आप वगैरह मुझे नहीं पता मैम। अच्छा आप जो बोल रहे हैं कि आप, हाँ मतलब आपको मालूम नहीं है, मतलब इट डजंट कंफर्म कि आपने आयुर्वेदिक लिया, आप इतना सिर्फ कंफर्म कर लीजिएगा कि छोटी छोटी गोलियां, जब खुजली होती है तो गोलियां लोशन लगाने के बाद में ठीक से तुरंत बंद हो जाता था, फिर से आता था, ये हिस्ट्री पूछेंगे ना तब भी स्टेरॉइडल हिस्ट्री पता चल जाती है। नहीं मैम, अभी 4-5 साल हो गए, मेरे मम्मी और फादर एक्सपायर्ड हो गए, तो अभी वो नहीं है। सॉरी मैम। ओके ओके, उसके बाद में, हाँ उसके बाद में आपने जो पहले फ्रूट वाला बताया ना, इतना हाँ, मुझे हाँ। बताइए फ्रूट जूसेस थे, मिल्क शेक था या बेकरी के प्रोडक्ट, दूध और फ्रूट?
ऐसी तीनों चीजें थी नहीं खान नहीं पान में। सिर्फ फ्रूट्स फ्रूट्स जैसे अपने आते ना एप्पल्स ये वगैरह, नहीं क्या सिर्फ वो फ्रूट्स खाती थी, मैं खाना नहीं खाती थी। अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर उसके बाद में नॉर्मली मैं खाने लगी, उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब मैं 12th में थी तो मुझे पाल्पिटेशन वगैरह होने लगा, वीकनेस थी थोड़ी सी। तो फिर डॉक्टर के पास में मैं जब गई एलोपैथी में, तो HB कम है करके उन्होंने बताया। फिर मेरा सिकल सेल टेस्ट करवाया, तो तब इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया तो सिकल सेल AS पैटर्न मेरा निकला। तो फिर तब उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड की गोली शुरू की, फिर उसके बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो शादी होने तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर शादी होने के बाद में कंसीव हो गया, और फिर उसके बाद में 7th मंथ जब प्रेगनेंसी थी तो सीवियर पिटिंग एडिमा था पैरों में। तो फिर मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा कि इतना एडिमा मुझे क्यों है करके। फिर उन्होंने सब टेस्ट वगैरह करवाया, तो टेस्ट में फिर RBC 4+ Albumin 4+ था। तो उनको शक हुआ कि शायद किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है या किडनी में कुछ डैमेज हो सकता है। तो उन्होंने फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में भेजा मुझे कंसल्ट के लिए। तो फिर मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में गई, फिर उन्होंने बोला कि एक्यूट रिनल फेलर में पेशेंट जा रही है करके, तो जल्दी जो है बेबी वो आउट करवाइए। तो 7th मंथ कंप्लीट हो चुके थे। फिर मैंने डिसीजन लिया कि 1 महीना में रुक जाती हूँ। फिर मैंने 1 महीना होने दिया, जैसे 9th मंथ स्टार्ट होता उसके बाद में 1 हफ्ते में इलेक्टिव सीजर करके बेबी को आउट कर लिया। और फिर 1.5 महीने के बाद में नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया बायोप्सी। जब बायोप्सी करवाई तो बायोप्सी में रिपोर्ट आई कि दोनों किडनियों में नेक्रोस हो चुकी है और 4th स्टेज में मैं जा चुकी हूँ। फिर वो पता चलने के बाद में उन्होंने मुझे सिर्फ रेमिप्रिल करके जो ड्रग आता है रीनल हाइपरटेंशन कम करने के लिए, वो गोली एक शुरू कर दी उन्होंने। फिर मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली इंदौर से वगैरह, इंदौर से ली कुशवाहा डॉक्टर वगैरह है ना, उनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। फिर मुझे चंद्रपुर में पता चला कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी मिलती है, फिर मैंने वहां से ली। फिर मुझे बहुत सारे यानी कि वो डॉक्टर ने बताया कि पलाश के जो फूल होते हैं उसका जूस वगैरह पियो करके बहुत सारे काढ़े वगैरह दिए उन्होंने मुझे। अभी उतना याद नहीं है, अलग अलग था सब। तो मैं जब से पास आउट हुई BAMS उसके बाद में मैंने कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की नहीं, और मेरे कॉलेज में भी उतनी ट्रीटमेंट होती नहीं थी। तो पास आउट होते बराबर इंटर्नशिप शुरू थी, तो मुझे जॉब लग गई, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में चली गई। तो फिर वो एलोपैथी तब से शुरू था, तो आयुर्वेद का उतना कुछ मुझे पता नहीं, और वो ट्रीटमेंट की नहीं, और वो प्रैक्टिस भी मैंने कभी की नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। तो फिर उसके बाद में फिर जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लेके क्रिएटिनिन मैडम इतना बढ़ जस्ट गया। वन वन मिनट है मैडम, वन हाँ मिनट। जी जी हाँ, आप जो अभी बताए क्रिएटिनिन, हाँ तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब ड्यूरिंग द एज हाँ ऑफ 24 to 28 यू वर बीन कंप्लीटली हाँ फोर्थ हाँ ग्रेड हाँ CKD राइट, हाँ एंड इट हाँ वाज विच टाइप ऑफ किडनी फेलियर? कुछ उनका डायग्नोसिस ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिक सिंड्रोम में था या बाकी का था या सिर्फ क्रोनिक, हाँ क्रोमिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उन्होंने वहां पे कॉज दिखाया था हाँ, उस टाइम, बट कॉज नहीं पता। और आप कॉज आयुर्वेदिक नहीं तब पता। स्टूडेंट भी थी, आप उस वक्त में हाँ आयुर्वेदिक भी स्टूडेंट थी, बट आपने हाँ आयुर्वेदिक कंसल्ट नहीं किया, तो इसका मतलब नहीं आपके खान पान, आपके नेचर, आपका हॉस्टल लाइफ, आपका जो भी जंक वगैरह, ये सारे हेतु होंगे ना मैडम? रात का जागरण, चाय पीना, बाकी का सारा चीज, आपने पथ्य तो नहीं कुछ नहीं चाय फॉलो वगैरह किया होगा? हॉस्टल का मैं खाना खाती थी, तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होती थी मुझे हॉस्टल हाँ, के बस खाने से। आपको याद है मैम, हाँ आपने पहले भी बताया कि जो स्किन, जब आप बच्चे थे तब भी आपके स्किन का इन्फेक्शन वो होता था कि आपके इस हाँ पे दाने आते थे और फिर वो चले जाते, मतलब हाँ रैश ही आती थी, इट वाज रिलेटेड टू तिर्यक हाँ पित्त ओनली, है ना? हाँ ठीक है ओके। फिर उसके बाद में क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया था कि 15 तक चला गया था। तो फिर मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ा। तो 1 साल में सुपर हॉस्पिटल नागपुर में है, गवर्नमेंट का मेडिकल का ही है वो एक ब्रांच, वहां पे 1 साल डायलिसिस पे रही। फिर उसके बाद में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट के 1 साल तक तो सेप्टिसेमिया ही होता रहा मुझे, यानी कि हाई डोज इम्यूनो सप्रेसिव शुरू थे तब। फिर उससे रिकवर हो गई, फिर इम्यूनो सप्रेसिव के वजह से मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, तो लोअर लिम मेरा पूरा पैरालाइज हो गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने ही न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाया, क्योंकि सब वहीं के डॉक्टर थे तो वहीं पे बुलवा लेते थे। मैं एडमिट ही थी 2 साल कंटिन्यू, तो डॉक्टर आते थे। फिर उन्होंने मुझे गैबापेंटिन शुरू कर दी और विटामिन B12 वगैरह शुरू किया। तो फिर उसके वजह से और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह बताया, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा चलना या पकड़ के, पहले पकड़ के चलने लगी, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा बिना पकड़े चलने लगी।
लेकिन वो न्यूरोपैथी इतनी बढ़ गई थी, एनसीबी टेस्ट की, उसमें मेरे पूरे पेरिफेरल नर्व जो सप्लाई है वो पूरी तरह से डैमेज, यानी कि 80% नर्व डैमेज दिखाई, तो मेरे मतलब आप पैरों पे चल फिर ज्यादा नहीं वेट। पाती थी, चल फिर नहीं हाँ पाती थी, या इचिंग हाँ होता था, या नहीं, एग्जैक्टली इचिंग सिम्टम क्या वगैरह होते नहीं थे? होता था, नहीं इचिंग वगैरह हाँ, नहीं होता था, चल फिर नहीं पाती थी, और ये यानी आपका कि उस दौरान जैसे खड़े डायलिसिस हो चल रहा जाती था थी ना? वैसे गिर जाती थी। नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद की हाँ, बात है मैम, इम्यूनो ट्रांसप्लांट के सप्रेसिव बाद की की वजह से बात हुआ है। था मुझे। हाँ इम्यूनो ओके सप्रेसिव ओके, की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हुआ था, और टैक्रोलिमस जो एज गोली कितना है, मैडम उस वक्त का, ये मेरा अभी एज आपका 40, वो 30+ था। 30+? ओके ओके हाँ ठीक है। 35 वगैरह था, 35 एज में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था, और अभी 40 चल रहा है, यानी कि 6 साल हो गए ट्रांसप्लांट को। ओके फिर गिर जाती थी, तो मुझे फिर गैबापेंटिन शुरू किया, तो गैबापेंटिन की वजह से अभी मैं चल सकती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चल नहीं सकती, स्टेप भी अभी भी चढ़ नहीं सकती। तो पहले मैं एकदम छोटी भी, जो 4 इंच की भी रहती थी, वो भी मैं चढ़ नहीं पाती थी, लेकिन अभी जब से गैबापेंटिन शुरू है तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ, लेकिन चलना नहीं होता ज्यादा, और वज्रासन में बैठना नहीं होता, इंडियन टॉयलेट भी यूज करना नहीं होता, और फिर यानी कि हाईएस्ट डोज में चालू थे, अभी 5 mg स्टीरॉइड चालू है मुझे, ओमनागार्डिल, मैम, आपको लेकिन कभी सीजर हुआ ओमनागार्डिल था की वजह से क्या? भी मुझे आपको कभी नहीं, मैम एपिलेप्सी या कुछ ऐसे सीजर ब्रेन नहीं के हुआ, झटके? फिर गैबापेंटिन किस लिए शुरू किया मैडम? गैबापेंटिन इज एन न्यूरोपैथी के एंटी लिए एपिलेप्टिक, नहीं, न्यूरोपैथी के लिए? न्यूरोपैथी के लिए गैबापेंटिन देते हैं मैम, एंटी न्यूरोपैथी के लिए। मैम ये करते हैं गैबापेंटिंग हम लोग, जिसको भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ना, मॉडर्न में ये स्टेट हम लोग देते करते हैं, यस ये मैडम, देते एक्चुअली हैं। ये हाँ नर्व इंजुरी या नर्व पेन के लिए दी जाती है, बट यस बेसिकली मैम, इट इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बेसिकली। हाँ या बट मैम ओके ये मैम देते कंटिन्यू। हैं। हाँ, मसल हाँ रिलैक्सेंट तो कभी दे, बट एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन है, हाँ इट कम्स इनटू दैट ग्रुप, जो मसल रिलैक्सर है और एंटी स्पास्म बॉडी के। ओके मैम बोलिए, मुझे बस फिर रोतावरोन और उस स्रोतोस्रंसल इससे लेना देना हाँ है, मैं वो चीज पे सोच रही हूँ। यस अच्छा मैम कंटिन्यू। हाँ, फिर उसके बाद में मुझे डायबिटीज हुआ उन मेडिसिन के वजह से, इम्यूनो सप्रेसिव की वजह से, और फिर मुझे स्टीरोइड के वजह से ग्लाइकोमेटिक चेंजेस आने लगे, और फिर कैटरेक्ट भी हुआ, तो कैटरेक्ट अभी मैंने ऑपरेट कर लिया है, लेकिन मेरी विजन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि आई साइड इतनी ज्यादा हो गई है, नियरर भी और क्या बोलते हैं अपन, दूर की भी और पास की भी, दोनों भी विजन साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी, तो मुझे एक्सपेक्ट है, और न्यूरोपैथी बहुत ज्यादा है कि मैं चल भी नहीं सकती हूँ और ज्यादा स्टेप नहीं चढ़ सकती, यानी कि पहला जीना तो कैसे तो भी पकड़ पकड़ के चल लेती हूँ हेल्प लेके, लेकिन सेकेंड अगर चढ़ने जाऊं तो होती नहीं है, मेरे पूरे पैरों में पेन होने लगता है, और अभी तो ज्यादा, अभी ये 1-2 महीने में तो ऐसा हो रहा है कि मेरे जो दोनों भी एंकल ज्वाइंट में उतना इतना सिवियर पेन होता है, और रात के वक्त कि ऐसे रात भर मुझे जागना पड़ता है, वो मैं पैरासीटामोल के सिवा दूसरी तो पेन किलर ले नहीं सकती, लेकिन पैरासीटामोल दो भी खाऊं तो भी कम नहीं होता, इतना पेन होता है, कल रात में ही मुझे इतना सीवियर पेन हो रहा था कि जैसे टेंडोन टूट रहे हैं, कि नर्व टूट रही है वहां पे, कि हड्डियां पूरी टूट रही है, इस टाइप से पेन होता है पैरों में। मैडम, आपको पहले कभी चक्कर आना या कंफ्यूजन होना या एंग्जाइटी होना या गिडीनेस ऐसे हुआ है विजन के नहीं प्रॉब्लम के ऐसा पहले? कभी भी नहीं हुआ मैम, ऐसा कभी भी नहीं हुआ और मुझे कोई भी, डायबिटीज के बाद में आपका विजन कम हुआ है? हाँ डायबिटीज के बाद में, और स्टीरोइड की वजह से हुआ, स्टीरोइड का वो साइड इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी करके, ग्लाइकोमेटिक चेंजेस आते हैं स्टीरोइड की वजह से, तो उसकी वजह से, और ओके ओके मैम, पहले मैं मोशन कैसे पहले होता है आपका? और मैम एक बात बताना चाहती हूँ, पहले मुझे हाइपरटेंशन भी नहीं था और डायबिटीज भी नहीं था, सिर्फ सिकल सेल था, वो भी ट्रेट था, और इसके लिए मैंने हेमेटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया था, डॉक्टर गंजू करके फेमस है हमारे नागपुर में, उनसे भी कंसल्ट किया था कि सर मुझे यानी कि सीकेडी का कारण ही पता नहीं चल रहा, मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट देखे तो सर का कहना ऐसा था कि लाख में एकाध पेशेंट को, जो ट्रेट वाले होते हैं उनको नेक्रोसिस हो जाता है करके, किडनी में ब्लड सप्लाई ना होने के कारण, तो मेरी अभी पैरों मैम, की जीएफआर जो कितना रहता है नेल्स है आपका? वो भी खुले जीएफआर, हैं। जीएफआर जीएफआर कितना रहता है तो अभी आपका? नॉर्मल है मैम, अभी नॉर्मल है, 90? पहले बहुत कम हो गया था, अभी तो 50% है। अच्छा, 50% है ना? ओके, और पहले आपका कितना हुआ हाँ था? 16 के50% है नीचे? अभी, पहले हाँ अच्छा 16 के नीचे हो अच्छा गया था। ओके ओके, आपकी और हिस्ट्री बताइए मैम, फिर बाद में बात करेंगे। नहीं हिस्ट्री इतनी है मैम, उसके बाद में तो अभी वो न्यूरोपैथी ही चल रही है मेरी, अच्छा डॉक्टर मोना बाकी मैम, और कुछ नहीं है, आपने ब्लूप्रिंट प्रॉपर
डॉक्टर मोना मैम, आपने इतना तकलीफ में एमडी का एंट्रेंस कैसे दिया और 87% कैसे लाए वो भी बताइए हमें। दैट इज ग्रेट सर। एमडी का एंट्रेंस एंट्रेंस सर मैंने 15 दिन में पढ़ाई की, सच में बता रही हूँ। और फिर मुझे यूपीएससी देनी थी सर एक्चुअली, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ पीएससी में जहाँ जॉब करती हूँ, तो 2007 में मुझे जॉब लगा, 5 में पास आउट हुई, इंटर्नशिप जैसे कंप्लीट होती वैसे ही मुझे पीएससी में जॉब लग गया, तो वो भी 12 साल हमको अस्थायी रखा गया सर, यानी कि परमानेंट नहीं किया गया। 12 साल के बाद में 2019 में हमको परमानेंट किया गया, और फिर उसके बाद में अभी हमको एमडी देने के लिए अलाउ किया गवर्नमेंट ने। तो फिर मुझे करना था यूपीएससी की एग्जाम देनी थी, लेकिन मैं जब लेक्चर सुनती थी यूट्यूब पे वगैरह, नहीं क्या वैसे मैंने क्लासेस वगैरह किसी की लगाई नहीं, यूट्यूब पे मैं लेक्चर सुनती थी, तो एक मैडम है एमपी के आयुर्वेद प्रयोजन में, पीजी नहीं क्या, पीजी आयुर्वेद प्रयोजन करके ऐप आता है, वहां के मैडम का मुझे अच्छा लगा पढ़ाना, तो उनका सिर्फ मैंने पेपर सेट जो होता है ना प्रीवियस ईयर का वो सब किया, 15 दिन बस 15 दिन स्टडी की और मैंने पेपर दे दिया, उसके बाद में ज्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं। 87.5% आपने लाया? हाँ सर। और आपने एनाटॉमी ही क्यों चूज किया एमडी के लिए? सर एनाटॉमी इसलिए चूज किया क्योंकि काय चिकित्सा अगर लेती तो मुझे खुद फिट होना पड़ता था, क्योंकि पेशेंट देखना है, आईपीडी है, ओपीडी है, और कोई मुझे एक्सक्यूज नहीं करता था वहां पे, है ना। और फिर अगर मैं सर्जरी लेती तो उसके लिए भी मुझे खड़ा रहना, मैंने कैपेसिटी होनी चाहिए थी कि 3-3, 4-4 घंटे में खड़ी रह सकूं, या जितने दिन। आपको एनाटॉमी पसंद है क्या? नहीं सर, स्वस्थ वृत्त लेना था एक्चुअली मुझे, लेकिन नागपुर में स्वस्थ वृत्त था नहीं सर, फिर नॉन क्लिनिकल में एनाटॉमी ही था, इसीलिए मैंने एनाटॉमी लिया। लेकिन उसमें भी मैम इनक्रेडिबल है आपका, आपका यही मोटिव रखिएगा आप ये सारी चीज से बाहर आ जाएंगे। पहली चीज तो आप अरविंद सर के हाथ में है, और दूसरी चीज ये मैम कि आपने बहुत ज्यादा एलोथेरेपी पे डिपेंड रह के आपने सारा चीज जो वो बोले अब तक राउंड अबाउट 20 ईयर्स आप शायद फॉलो कर रहे हैं। अभी आगे के 20 महीना जो है ना मैडम, वो खान पान से लेके सारा चीज में सबसे पहले किस तरीके से एलोपैथी कम करके आप आयुर्वेद पे आते ये जरूर कीजिएगा, बिकॉज योर होल बॉडी इज केमिकलाइज्ड। ठीक है, और आपका मानसिकता जो है वो इतना ही सकारात्मक रखिएगा, उसके साथ में माइंड हीलिंग नस से जो सर बोलेंगे वो करिएगा, बिकॉज बिलीव मी यू आर एन मिरेकुलसली रिकवरिंग लेडी, और आप इस सबसे बाहर आ जाएंगे। ओके, जस्ट आपका जो ये स्पिरिट है वो यही रखिएगा। थैंक्स बोलना चाहूंगी स्मिता गोलघाटे मैडम को कि उन्होंने ही मुझे सर के बारे में बताया अभी पीजी में एडमिशन होने के बाद में, और उन्होंने मुझे लिंक भेजी और बोला कि तुझे पढ़ने को बहुत मिलेगा, तुझे इंटरेस्ट है तो, और उसने ही मुझे ज्वाइन करना करवाने के लिए बोला। सर पहचानते हैं स्मिता गोलघाटे मैम को, नागपुर की है वो, काफी दिनों से सर के सर से क्लासेस कर रही है, सर से सर उसको टीच कर रहे हैं उनको, स्मिता गोलघाटे मैम को। उनको बोल दीजिए कल ना एमडी का हमारा वो पढ़ाई होगा शाम को, तो मैं लिंक दूंगा। कल तो ऐसे छुट्टी सर वो मेरे साथ में ही है, सर वो मेरे साथ में ही है श्री आयुर्वेद में, और रोज मिलते हैं हम लोग। और एक मेरी क्लासमेट भी है अश्विनी अंधारे मैम। हाँ 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 बेले मैम वो भी है, वो भी है। हाँ वो मेरी क्लासमेट है। और बहुत अच्छे से पहचाना है सर उनसे भी। प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं? ये श्री कॉलेज में है क्या नागपुर में? हाँ हाँ जी सर, जी सर। वहाँ पे डॉक्टर सुशील बरागड़े को जानते हैं क्या आप? नहीं सर, श्री कॉलेज में अभी मैं एक महीना भी होने का है, 8-10 दिन हो गए मैं जा रही हूँ, कॉलेज शुरू हो गया तब से, नहीं क्या? जी जी, एक्चुअली मेरा भी वहीं से बीएमएस, मेरा भाऊ साहब मुल्ला आयुर्वेदिक कॉलेज से। जी जी सर, ठीक है, ठीक हो जाओगे है ना, आप सर से ले दवाई ठीक हो जाएंगे आप। तो कल मोना मैम आप मुझे कॉल करिएगा, हम बात करेंगे, और ना मुझे और भी क्वेश्चन पूछना है आपका। कितने बजे सर? वो जी सर जी मैसेज करिए जी सर जी। मैं सेशन बंद करता हूँ, सभी लोगों को थैंक यू, आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ शाम का। सर एक चीज मैं भी मोना मैम को बोलना चाहती हूँ, मैम आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक ना रोज मैम एक अफर्मेशन करिए कि मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक हेल्दी बॉडी हूँ, और मैम ये देखिए साल में आप बिल्कुल मैम अफर्मेशन करेंगी ना मैम, तो ये एक साल में आपको इतना मिरेकुलस मैम रिजल्ट मिलेगा, आपको खुद पता चलेगा। जी जी
मैं आपको बताना चाहती हूँ, 5 साल से मैं मेडिटेशन करती हूँ, विपश्यना भी करती हूँ और ये भी करती हूँ ब्रह्मा कुमारी का, उसके वजह से ही मैं जिंदा हूँ अभी तक, और इतने सारे डिजीज होने के बावजूद भी मैं उससे फाइट कर रही हूँ। यस मैम, अफर्मेशन अफर्मेशन जो है ना मैम, वो इतनी अच्छी और मीनिंगफुल चीज है मैम, उससे कुछ नहीं है। और आप मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। और आपको इंस्पिरेशन है मैम कि आपने एमडी में 87.6 ऐसे परसेंटाइल लाए, मतलब 15 दिन में पढ़ के इतना लड़ाई से लड़ाई किया लाइफ में कि मुझे आगे बढ़ना है, फाइट किया और आपने एमडी में एंट्रेंस करके, मतलब सच में मानना पड़ेगा, कोई किसी को सर्दी जुकाम होता है तो पढ़ाई नहीं करता, आपने इतना बड़ा बीमारी में पढ़ाई करके एंट्रेंस क्लियर किया, सच में मानना पड़ेगा आपको। सर अपन पेशेंट को अगर दिल से अगर उनको ये करो तो वो सब अपने को इतनी दुआ देते हैं सर कि अपन कोई भी कंडीशन में फाइट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इतना मुझे पता है। इसलिए मैं हर एक को यानी कि दिल से उनको ये करती हूँ, किसी के भी लिए मैं गलत कभी सोचती भी नहीं हूँ। एक चीज है, अच्छा हो जाएगा मैम, चिंता मत करिए, अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर, आप है तो अभी मुझे चिंता भी नहीं है, मुझे पता है आप इतने पेशेंट को ठीक कर सकते हो तो आप मुझे भी जरूर पूरी तरह फिट कर दोगे। हाँ, और आप इधर आके बताएंगे भी ना कि मैं ठीक हो रही हूँ नहीं हो रही हूँ, तो आपको जी तो सर, जी सर। तो मैम आप कल एमडी का जो हमारा क्लास होगा आयुष दर्पण पे, आप जरूर ज्वाइन करेगा रिसर्च स्टैटिस्टिक्स। जी सर, उस सर कितने बजे रहेगा वो मैं बताऊंगा, नवीन सर से पूछ के बताऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।